तो भाई फुली एक्साइटेड फुली एक्साइटेड। दुआ जी ने पहली बार जिंदगी में ब्रांडेड और सबसे कॉस्टलीस्ट शर्ट टी शर्ट खरीदी है बालमेन की। बालमेन की जिसका एक्चुअल MRP इज 60,000 रुपीज। ऑलराइट ये सारे के सारे गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कहाँ पे? आउटलेट विलेज। आउटलेट विलेज जा रहे हैं पहले, हाँ फिर मिराकल गार्डन। ठीक है, तो आउटलेट विलेज एक्चुअली में स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है स्पेशली जिनको शॉपिंग करनी है लग्जरी आइटम। हम पहले वहाँ जा रहे हैं आउटलेट, फिर वापसी में मिराकल। पहले मिराकल नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आउटलेट आउटलेट। धूप है भाई, बहुत धूप है। तो लेट्स गो गाइस, अपना पहला दिन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी, और अब हम जा रहे हैं स्पेशली आउटलेट विलेज, आपको लेके जा रहा हूँ मैं। ये स्पेशली उन लड़कियों के लिए है वीडियो, स्पेशली जो दुबई आती है और लग्जरी आइटम। लड़कों के लिए भी है बट एक्चुअली में वहाँ लड़कों के ऑप्शन बहुत कम है, मुझे पता ना, मैं तीसरी बार जा रहा हूँ। तो स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनको लग्जरी आइटम बाय करने हैं, बैग्स एंड ऑल, बेल्ट, शूज, लेकिन डिस्काउंट चाहिए अप टू 70% ऑफ, वो भी ओरिजिनल चीज पे। तो बस अब आप देखते रहो, दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए, और उसके बाद दिन पूरा लंबा जाने वाला है। बुर्ज, अपने बुर्जी पे भी जाएंगे हम, ठीक है, बुर्जी पे भी जाएंगे और रात के टाइम पे जाएंगे, इवनिंग के टाइम पे सनसेट देखने की कोशिश करेंगे अगर टिकट मिल गई तो, और फिर दुबई मॉल में भी लेके चलेंगे आपको। और हाँ, मिराकल गार्डन का कैसे भूलोगे, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा सेपरेट मिराकल गार्डन का। तो लेट्स स्टार्ट। तो भाई फाइनली दुबई का आउटलेट विलेज में पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े ब्रांड्स पे बड़ी बड़ी सेल लगती है यहाँ पे, और ओरिजिनल चीज़ पे मज़ेदार चीज़। तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर के नज़ारे, और बस इन्जॉय करो आप भी। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आ रहे हो अपनी बीवी के साथ तो यहाँ ज़रूर ले कर आना। फाइनली भाई आउटलेट विलेज, आउटलेट विलेज आ गए हैं मॉल। हाँ जी, हाँ जी, तो भाई ये बैग भी यहीं से लिया हुआ है। यस, राइट, ये बैग भी कोच का यहीं से लिया हुआ है। हाँ, इससे पहले मैंने MK का कैरी किया था। ये कौन सी कंपनी का? कार्ल लगरफील्ड। बोला नहीं, जरा देख लियो ये भाई, ये है मतलब क्या बोले, सिर्फ देख ले, एकदम से खुश है ना, कार्ल का समझ आ गया, कार्ल का, चलो अब हम कार लेके आते हैं, आगे नहीं कुछ बोलेंगे। हाँ ये, ओहो दुबई के ऊद, वाओ, हल्की सी पेट पूजा स्टार्ट हो गई है। चुपरी क्या खा रही है? चेयर्स। 70-75% ऑफ, ये बालमेन का होगा, बालमेन का है। मुझे एक जूता पसंद आया बालमेन का, जिसकी कॉस्ट थी 1,10,000 रुपये, और वो मुझे मिल रहा है 22-23,000 रुपये का। 23,000 रुपये का जूता मिल रहा है, 1,10,000 वाला। एनीवेज देखते हैं, मैंने कहा और ऑप्शन देख लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे। लंच करने के लिए एक्चुअली 5:30 हो रहे हैं और हम लंच कर रहे हैं यहाँ पे। 5 बज रहे होंगे ना तेरी घड़ी में, दुबई के हिसाब से? दुबई के हिसाब से 5 बज रहे हैं, और ये आ गया हमारा एक्स्ट्रा लार्ज वेज पिज्ज़ा। Now look at this, guys. Wow, that's really huge and amazing. Looks amazing. Great. और ये मंगवाया हमने चिकन एंड मैक एंड चीज बर्गर, इट्स रियली अमेजिंग। शॉप का जो नाम है वो क्या है? बुफालीटोस। वाह। और ये मंगवाया हमने पापा मर्फी पिज्जा, ये लास्ट टाइम भी हमने ट्राई किया था, बहुत जबरदस्त। तभी अब दोबारा यहाँ पे आए हैं इस जगह पे, खाते हैं भाई इसको, एंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कि भाई कहाँ जाना आगे। हे 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 हबीबी, हबीबी, इट्स दुबई, ये तो भाई फुली एक्साइटेड, फुली एक्साइटेड। दुआ जी ने पहली बार जिंदगी में ब्रांडेड और सबसे कॉस्टलीस्ट शर्ट टी शर्ट खरीदी है बालमेन की। बालमेन की जिसका एक्चुअल MRP इज 60,000 रुपीज। ऑलराइट ये, और ये भाई हमने पवित के लिए भी सामान थोड़ा सा ले लिया है, शॉपिंग कर ली है ये, और दुआ जी ने अपने लिए शॉपिंग कर ली है ये, और शिखा दी ने अपने लिए शॉपिंग कर ली है ये। सिम तेरी कहाँ है?
अब नहीं करनी है, मैंने भी नहीं लिया। मुझे डर लग रहा है। अच्छी वाली करेंगे। हाँ। शॉपिंग वॉपिंग हो चुकी है और आपको मैंने जहाँ यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स थे वो दिखाए, जो खाना खाया वो भी दिखाया। 75% ऑफ मतलब आज का ना दिन थोड़ा सा ज़्यादा हमारा वो हो गया ट्रैवल की वजह से, क्योंकि आज ही फ्लाइट से उतरे थे, ठीक है, तो उस वजह से आज हम सिर्फ आउटलेट विलेज ही कवर कर पाए, बट कल से हम सुबह जा रहे हैं। सोचा था हमने कि आउटलेट विलेज के बाद जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, बट वी आर सो मच टायर्ड, हम सोच रहे हैं कि शायद थोड़ा ब्रेक ले लें, तो कल से रिफ्रेश होकर के और मैं रात को भी कहीं जाऊँगा जरूर, बर्दू भाई आपको दिखाऊँगा, क्योंकि डिनर करने बार दुबई में करूँगा, लोकल डिनर, पाकिस्तानी फूड बढ़िया वाला। तो बने रहो भाई ब्लॉग के अंदर, रात को करेंगे ख़त्म और फिर कल मिलेंगे आपको सीधा गोल्ड सुक में। और गोल्ड सुक क्या बोले तो जहाँ पे दुबई का सबसे सस्ता सोना मिलता है, और मैं बताऊँगा आपको कि इंडियंस कितना किलो कितना तोला लेके आ सकते हैं इंडिया। रेंज रोवर आ गई है और हम चल रहे हैं अब कहाँ, सीधा अपने होटल चेक इन करते हैं और फिर आपको बताएंगे भाई रात का क्या सीन है। हाँ जी ठीक है, थक गए ना? टूट गए भैया, थक गए नहीं कहते, बटोर के बैठे किसी तरह गाड़ी में। सीरियसली भाई अब निकलते हैं सीधा घर और फिर मिलते हैं आपको जल्दी से। भैया कल का दिन बहुत बढ़िया था और आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया मॉल, ऐसा मॉल जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के 75% तक ऑफ मिलता है। अब इससे बेटर चीज़ आप और क्या लोगे। रात को खाया पाकिस्तानी फूड एकदम बढ़िया घर पे मंगवा के 11-12 बजे, और इससे बेटर चीज़ और क्या हो सकती है। और दुबई जोन सा है ना, दुबई इज़ लाइक अब जितना एक्सप्लोर करोगे ना उतना कम है, दुबई अब एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते सारा का सारा, ये तो फॉर श्योर है। अभी दुबई होगा, फिर अबू धाबी है भाई, मतलब शारजा है, क्या कहाँ कहाँ जाओगे, खुद ही कन्फ्यूज़ हो। 8 दिन के लिए आए हैं बट स्टिल मुझे पता है कि भाई मुश्किल है, तो इसीलिए एक काम करते हैं, जितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ उतना एक्सप्लोर करूँगा। और अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर दिखाने वाला हूँ द गोल्ड सुक मार्केट, जहाँ पे एक्चुअली में सारे इंडियंस सारे पाकिस्तानी जिसको भी गोल्ड खरीदना होता है इवन दुबई में जो रहते हैं वो सब वहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा वैरायटी और डिज़ाइंस ऐसे जो आपको इंडिया में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। वर्ल्ड की बिगेस्ट गोल्ड मार्केट है। जी हाँ, वहाँ चलते हैं और आपको वहाँ पे हम दिखाएंगे कुछ शॉप्स बाहर से, क्योंकि अंदर ज्वेलरीज की वीडियोस बनाना अलाउड नहीं होता है क्योंकि डिज़ाइन स्टोरी हो जाते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो बाहर से दिखाऊंगा मार्केट एंड ऑल, और क्या लिया है किस प्राइस पे मिला है वो भी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि किस प्राइस पे लिया है, क्योंकि प्राइस इज़ मेन चीज़ और मेकिंग चार्जेस दोनों लगाने के बाद भी इंडिया से 4-5 हज़ार रुपये सस्ता पड़ता है पर तोला। जी हाँ, तो चलें और आपको दिखाते हैं गोल्ड सुक मार्केट। अगले व्लॉग में बने रहो, ये वीडियो शेयर करो उसके साथ जिसको लग्जरी शॉपिंग करनी है, दुबई आ रहा है वो, ठीक है। थैंक यू सो मच।